अगर आप रखते हो एक से ज़्यादा सिम तो आपके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि दूरसंचार विभाग ने ये जारी कर दिया है कि अगर किसी बंदे के पास 9 से ज़्यादा सिम हो तो उनको वो सत्यापित नहीं करता है, तो उनकी सारी सिमें वो बंद कर दी जाएगी। हाँ गाइज, अगर आप समझते हो तो सारी सिमें आपकी बंद हो जाएगी अगर आपने ये सत्यापित नहीं किया तो। तो वीडियो से बनने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हम ऐसी न्यूज़ आपको हर रोज़ दे सकें। तो अभी अभी दूर संचार विभाग ने एक जारी किया है नोटिस, जिसके अंदर आपके पास यानी कि 9 से ज़्यादा सिम आप रखते हो तो ग्राहकों को फिर से उसे सत्यापित करना होगा, यानी कि आप ज़्यादा सिम रखते हो तो आपको सत्यापित करना होगा कि ये मेरी सिम है और मेरे द्वारा ये निकाली गई है। क्योंकि ज़्यादातर फ्रॉड है वो ऐसे ही हो रहे हैं, जो लोग हैं एक सिम निकालने जाते हैं और उनके 2-3 सिमें आसानी से निकाल ली जाती है किसी एजेंट के द्वारा या फ्रॉडिंग के द्वारा निकाल ली जाती है, जिससे बैंक में भी नुकसान होते हैं, उस जो कस्टमर होता है उसके भी परेशानी रहती है। तो ये देखते हुए दूरसंचार विभाग ने ये नोटिस जारी किया है, अगर किसी बंदे के पास या फिर आपके पास 9 से ज़्यादा सिम है या फिर 5-7 सिमों से ज़्यादा सिम है तो वो आपके लिए बंद होने की कगार पर है। अगर आप उसे सत्यापित करते हो और वो निश्चित होता है कि वो आपकी ही सिम है, आपके द्वारा ही निकाली गई है, उसके बाद वो बंद नहीं होगी। तो दूरसंचार विभाग ने सारी मोबाइल्स जो नंबर्स हैं उनके डेटाबेस को हटाने की बात कर रहा है, यानी कि अगर आपके पास फ्रॉडिंग सिम है तो वो आपके लिए एकदम बंद कर दी जाएगी, और अगर आप सत्यापित करते हो कि ये हमारी ही सिम है तो आपके वो सुचारू रूप से कार्य करेगी। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये न्यूज़ को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।